सब्सक्राइब करिए श्री होमियो यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन दबाकर सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाइए। हेलो फ्रेंड्स, माइसेल्फ डॉक्टर सत्या और श्री होमियो के इस नए वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम आपसे बात करने वाले हैं खजूर के बारे में। हम जानेंगे ये जो टेस्टी खजूर होते हैं इनके क्या आपके जीवन में आपकी बॉडी में क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं और आप किन कंडीशन में से ले सकते हैं, कितना आपको एक दिन में इसका सेवन करना चाहिए। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्या आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं? तो समय गवाए बिना बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से कहना चाहूंगी, जो भी हमारे चैनल श्री होम्यो पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को टैप कर लें, क्योंकि इस तरह के नॉलेजफुल वीडियोस हम आपके लिए रोजाना लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों आज यहाँ पर हम आपसे बात करने वाले खजूर के बारे में, खजूर, डेट्स या पिंड खजूर। आप में से कई लोगों ने इसे खाया होगा और नॉर्मली एक फल की तरह आप इसे, क्योंकि इसका एक अच्छा सा मीठा टेस्ट होता है इसलिए हम खाते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। सबसे पहला हेल्थ बेनिफिट्स है, अगर आपको एनीमिया का प्रॉब्लम रहता है, एनीमिया यानी खून की कमी रहती है शरीर में, बहुत ज़्यादा कमजोरी, थकान, चक्कर आना और हमेशा हीमोग्लोबिन की मात्रा लो रहती है, तो आप इस कंडीशन में यदि डेट्स यानी खजूर का सेवन करते हैं तो आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी और एनीमिया की प्रॉब्लम दूर होने से आपके शरीर की सारी थकावट, सारी कमजोरी, सारी सुस्ती भी ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट, यदि आपको हमेशा कब्ज की शिकायत रहती है, आपकी बॉडी हमेशा आप कुछ भी खाते पीते शरीर में नहीं लगता है और कब्ज बना रहता है, तो ये बहुत अच्छा रिच इन फाइबर्स रहता है, बहुत सारे इसके अंदर फाइबर रहते हैं जो आपको पेट साफ करने में मदद करते हैं, आपके डाइजेशन को ठीक करते हैं, तो खाना पचाने में बहुत ज़्यादा सहायक है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों इसके अंदर काफ़ी सारे पोषक तत्व तो पाए जाते हैं, जैसे कि आपका कैल्शियम हो गया, आपका पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम, जिंक, फॉस्फोरस, सेलेनियम, कॉपर, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं, जो अगर आपकी बॉडी में फिजिकल स्ट्रेंथ की कमी है, आपका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने में काफ़ी ज़्यादा थकान लगती है, चाहे वो किसी तरह की कोई फिजिकल एक्टिविटी हो, कोई मेंटल एक्टिविटी हो और आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो ये आपका डेट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। ख़ास तौर पे जो लोग बहुत ज़्यादा दुबले पतले होते हैं, अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो दुबले पतले कमज़ोर शरीर वालों के लिए, वजन बढ़ाने के लिए भी खजूर बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। इसी के साथ साथ दोस्तों जिन लोगों को फिजिकली बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है, अगर आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम भी है, फिजिकली कोई भी काम करने से बहुत जल्दी थक जाते हैं, तो इसके अंदर सेलेनियम होता है, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है ऐसी कंडीशन के लिए, खासतौर में ओल्ड एज के लिए आपकी जो भी परेशानी होती है उसमें आप डेट्स का सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि आपको बहुत ज़्यादा ज्वाइंट पेन रहता है, हमेशा हड्डियों में, जोड़ों में दर्द बना रहता है और थकावट बहुत ज़्यादा रहती है, तो डेट्स का सेवन करने से आपको काफ़ी सारे लाभ मिलेंगे। नेक्स्ट, आपकी कंडीशन है, यदि कोई प्रेग्नेंट वूमेन या लैक्टेटिंग मदर, यानी यदि आपकी गर्भावस्था है या आप बच्चे को दूध पिला रही हैं, उस समय आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है ताकि आपके शरीर में किसी चीज़ की कमी ना पड़े, आपको इस कंडीशन में भी डेट्स का सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट, यदि आपके चेहरे पर काफ़ी सारी झुर्रियाँ आती हों, झुर्रियाँ, मेलाज्मा, क्लोज्मा या पिगमेंटेशन, अगर आपके चेहरे पे काफ़ी सारे ये प्रॉब्लम्स रहती हैं, हेयर फॉल होता रहता है, स्किन में बिल्कुल भी ग्लो नहीं है, तो इस कंडीशन में भी डेट्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं और आपके चेहरे पे होने वाली इन झुर्रियों को, स्ट्रेस को, जिसकी वजह से आपको ये मार्क्स आ रहे हैं तरह तरह के, इन सबको दूर करते हैं। मेंटली भी जिन लोगों को स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम रहती है, यानी नींद नहीं आती है, दिमागी तौर पे थका हुआ महसूस करते हैं, मेंटली आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, तो ये आपको एक अच्छी नींद दिलाने में, मेंटल स्ट्रेस दूर करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट, आपकी कंडीशन है, कई लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगती रहती है, तो ये आपका एक तरह से एपेटाइट फुलर का भी काम करता है कि आप अगर इसका खाना
आप इसका सेवन करते हैं तो आपको बार बार जो भूख लगती है और उस चक्कर में कभी कभी आप जंक वगैरह ज्यादा खाने लगते हैं, उससे आपका वेट गेन भी होता है। तो ये आपको फुलनेस का एहसास कराता है और न्यूट्रिशन और एनर्जी भी भरपूर देता है। तो इस कंडीशन के लिए भी आप डेट्स का सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि आप ओल्ड एज में हैं या कई कभी बार आपने छोटे बच्चों में भी देखा होगा प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होता है, ये रात को बिस्तर गीला करने की समस्या होती है, इन समस्याओं में भी डेट्स का सेवन करते हैं तो आपका जो ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, ये अक्सर होता है छोटी एज में जब आप छोटे बच्चे हों या ओल्ड एज में प्रोस्टेट का प्रॉब्लम रहता है तब, तो ये ब्लैडर का कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, बार बार यूरिन करना पड़ता है, वीकनेस रहती है मसल की, तो इस कंडीशन में भी हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट, डेट्स का एक बहुत ही अच्छा लाभ है जिन लोगों को बार बार कोल्ड कफ यानी सर्दी खांसी जुकाम की समस्या रहती है, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमजोर रहती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, जल्दी ही कोई भी मौसम आया, मौसम चेंज हुआ, तुरंत फीवर पकड़ लेता है, तुरंत उनको सर्दी खांसी हो जाती है, तो इस कंडीशन में आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, सर्दी खांसी की समस्या से निजात दिलाने के लिए भी आप डेट्स का सेवन कर सकते हैं। अस्थमा के मरीज जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम रहती है, अक्सर सांस की तकलीफ हो जाती है, वो सभी लोग डेट्स का सेवन करते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है, हार्ट का प्रॉब्लम रहता है या कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम रहता है, तो ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम और पोटेशियम पाया जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल की समस्या होना, मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ना, आपका खाना ठीक से नहीं पच पाना, ये सब आपस में इंटरलिंक्ड है सारी परेशानियाँ, कि खाना ठीक से नहीं पच पा रहा है, इधर उधर फैट का डिपोजिशन हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ा जा रहा है, तो ये सब कंडीशन को भी आपका खजूर खाने से बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है, ये सब परेशानियाँ दूर होती हैं। आइए चलिए आप बात कर लेते हैं कि यदि आप खजूर का सेवन कर रहे हैं तो कितनी मात्रा में करना चाहिए, किस प्रकार से आप इसका सेवन कर सकते हैं। ज़्यादातर खजूर का सेवन आप, अगर सर्दियों का मौसम होता है खास तौर पे अगस्त के महीने से लेकर दिसंबर के महीने तक या जनवरी के महीने तक, तो अगस्त से लेकर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस महीने में थोड़ा सा मौसम ठंडा रहता है, इस सीजन में पिंड खजूर खाना ज़्यादा फायदेमंद रहता है। वैसे तो आप किसी भी सीजन में ले सकते हैं क्योंकि ये एनर्जी से भरपूर होते हैं, न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं, लेकिन सर्दियों में खास तौर पे आपको ये सेवन जरूर से करना चाहिए। तो आप अगस्त से लेकर जनवरी फरवरी तक इसका सेवन जरूर से करें और पूरे ऑल ओवर थ्रू द सीजन भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। थ्रू आउट द सीजन भी आप पिंड खजूर को नॉर्मली अपने जो भी आप दूध लेते हों उसके साथ या ब्रेकफास्ट के साथ ले सकते हैं। दूध के साथ पिंड खजूर खाना उन लोगों के लिए और ज़्यादा फायदेमंद रहता है जिन्हें खासतौर पर अपनी बॉडी गेन करनी है, जो वजन बढ़ाना चाहते हैं और जिनको हमेशा कमजोरी की समस्या रहती है, उनके लिए दूध के साथ पिंड खजूर लेना बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। ऐसे भी आप ले सकते हैं, आप इसे पानी में भिगाकर भी ले सकते हैं कि रात को आप पानी में सोख करके रख दीजिए और उसके बाद सुबह इसका सेवन कर सकते हैं। या खजूर में भी कई क्वालिटी आती है, आपने देखा होगा कुछ थोड़े गीले से रहते हैं और कुछ ड्राई रहते हैं, तो यदि आप पानी में भिगा कर ले रहे हैं तो ड्राई वाले लेकर आइए, और यदि दूध के साथ लेना चाह रहे हैं तो जो थोड़े से गीले होते हैं वो वाला खजूर भी आप ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वांटिटी कितना लेना चाहिए। एक एडल्ट में यानी एक वयस्क पुरुष या स्त्री में आप इसकी लगभग चार खजूर ले सकते हैं। तो 3 से 4 खजूर एक जो वयस्क मेल है या फीमेल है वो ले सकती हैं। अगर छोटे बच्चे की बात करें तो लगभग 2 खजूर, इसका जस्ट आधा क्वांटिटी, 2 खजूर वो एक दिन में कंज्यूम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा भी किसी भी चीज़ को सेवन नहीं करना चाहिए, तो आप क्वांटिटी का ध्यान रखिए कि आप वयस्क हैं तो 4 खजूर तक आप ले सकते हैं और बच्चे हैं तो 2 खजूर का ही सेवन करें। और वजन बढ़ाने के लिए आप दूध के साथ सेवन करिए, कब्ज के रहता है तो दूध के साथ सेवन करिए, लेकिन यदि आपको नॉर्मली सिर्फ न्यूट्रिशन के लिए लेना है तो आप खजूर ऐसे भी खा सकते हैं। तो ये तो था दोस्तों टेस्टी खजूर के बारे में एक बहुत ही जनरल सी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारा बेनिफिशियल इफ़ेक्ट देता है आपको। बिना किसी मेडिसिन के भी आप अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं और अपनी बॉडी को जो भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, और उसके लिए आप ऐसे ही टेस्टी फूड्स को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा,
और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से शेयर करिएगा। और यदि आपके पास कोई क्वेरी है तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या मेरे लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर हमसे यहाँ पर आप अपनी जो भी क्वेरी हो, जो भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।